जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तरफ से दोस्तों फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है दोस्तों। उसकी दोस्तों ऑनलाइन की डेट क्या रहने वाली है, ऑनलाइन की लास्ट डेट क्या रहने वाली है दोस्तों। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे एग्जामिनेशन डेट क्या रहने वाली दिल्ली पुलिस में, और दोस्तों टोटल ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी, टोटल वैकेंसी जो है वो कितने निकल के आ रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तरफ से दोस्तों। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे इसकी दोस्तों वो एज लिमिट क्या रहने वाली, साथ ही साथ दोस्तों आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना रहने वाला है दोस्तों। सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको कंप्लीट जानकारी समझ में आएंगी दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपसे बताना चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन का, यहाँ पे दोस्तों यहाँ दिया गया कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023 दोस्तों, एक से रहने वाले दिल्ली पुलिस 2023 इसका हेड जो है वो नाम रहने वाला दोस्तों। डेट ऑफ जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने की तिथि दोस्तों है वो 1 तारीख से लेकर दोस्तों 30 तारीख तक रहने वाले। जी दोस्तों, 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आपका ऑनलाइन फॉर्म जो भरा जाएगा, तो दोस्तों जल्दी से अपना जो है वो फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि वेबसाइट काफ़ी जो है वो स्लो हो जाती है। तो जल्दी ही आपको हमारे चैनल पर जो है ऑनलाइन फॉर्म भरने की कंप्लीट वीडियो दोस्तों मिल जाएगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों बात कर लें कि जो फॉर्म की जो है वो लास्ट डेट दोस्तों मैंने आपको बताया 30 तारीख रहने वाले दोस्तों। अगर आपका फॉर्म में कुछ अगर मान लीजिए बाई चांस कुछ गलत हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर डेट दे रखा है कि आपको करेक्शन के लिए भी यहाँ पर डेट बताया गया है कि 3 अक्टूबर 2023 से 4 अक्टूबर 2023 तक अपने ऑनलाइन फॉर्म को दोस्तों वो करेक्शन कर सकते हैं। बाई चांस अगर कोई कुछ आपका फॉर्म में कुछ गलतियाँ हो जाती है तो उसको सुधारने का भी यहाँ पर मौका दिया जाए। तो बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन डेट इसका क्या रहने वाला दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड डेट इसका होगा वो दोस्तों। यहाँ पे क्या दे रखा है नोटिफिकेशन में दोस्तों, बताया गया कि दिसंबर 2023 तक आपका एग्जामिनेशन दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है दिसंबर 2023 दोस्तों आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, टोटल वैकेंसी कितनी निकल के आ रहे हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से। तो दोस्तों दो वैकेंसी बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, इसका जो पे लेवल है, पे स्केल दोस्तों होता है वो लेवल 3 का होता है, 21,700 लेके 69,100 रुपये, मतलब इसका सारा चीज़ इसके बीच में यहाँ पर लेवल 3 का आपको जो है वो सैलरी मिलने वाली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट दोस्तों, यहाँ पे देख ले सबसे पहले कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल की यहाँ पे वैकेंसी दोस्तों, जनरल के लिए 2748, ईडब्ल्यूएस के लिए 488, ओबीसी के लिए 258, एससी के लिए 717, साथ ही साथ एसटी के लिए 242 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है दोस्तों। ये कांस्टेबल मेल के लिए यहाँ पे दिया गया है 4453 पोस्ट के लिए आप जो है कांस्टेबल मेल अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन जो भी अदर्स वाले हैं, इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए ये कोटा जो है रिजर्व रखा जाता है। 266 टोटल वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 200 रखा गया है। दूसरा बात कर लेते हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव यहाँ पे देख लेते हैं मेल का जो एक्स सर्विसमैन कमांडो पैरा वगैरह के इंक्लूडिंग एससी और एसटी इंक्लूडिंग बैकलॉग एससी एसटी का दोस्तों 337 वैकेंसी है। दोस्तों बात करें कांस्टेबल फीमेल की, जितने भी महिला जो है वो अभ्यर्थी हैं यहाँ कांस्टेबल फीमेल हैं उनकी टोटल वैकेंसी दोस्तों 2491 वैकेंसी यहाँ पे टोटल फीमेल की यहाँ पे वैकेंसी आप अपने कैटेगरीज वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। तो बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की, जो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा 7547 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे दोस्तों निकल के आती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तरफ से। 7600 के करीब आपका यहाँ पे वैकेंसी आपका रहने वाला है। तो बाकी चीज़ें यहाँ पे नीचे बात कर लेते हैं हम आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज लिमिट वगैरह यहाँ पे हम बता देते हैं दोस्तों। एज लिमिट जो इसकी रहने वाली है दोस्तों वो 18 से 25 यहाँ पे साफ साफ दिया गया है, 18 से 25 साल आपकी दोस्तों वो एज रहने वाली। एज कब से काउंट किया जाएगा यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, जो एज है आपका 1 जुलाई से यहाँ पे जो है वो 1 जुलाई 2023 यानी 1 जुलाई 2023 से दोस्तों आपका जो एज काउंट किया होना चाहिए दोस्तों। 1 जुलाई को आपका अगर 18 साल पूरा होता है तो आप इस फॉर्म को आसानी से दोस्तों फिल कर पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी दिया गया है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2/7/1998 से अगर पहले का है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, और 1/7/2005 के बाद अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को दोस्तों वो नहीं भर सकते हैं दोस्तों। इसकी एज जो है 18 से 25 यहाँ पर रहने वाली। बाकी रिलेशन की बात करें जो भी यहाँ पर छूट मिलता है SC ST OBC को, तो दोस्तों SC ST को दोस्तों वो 5 साल की टोटल छूट मिलती है, मतलब 18 से 25 यहाँ पर उम्र दिया गया है तो 5 साल यानी 18 से 35 साल तक दोस्तों जो है SC ST के कैंडिडेट फॉर्म को भर पाएंगे। जो OBC के कैंडिडेट हैं दोस्तों OBC को 3 साल का यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, यानी 18 से 25 जो है वो डेट है प्लस 3 साल और एड कर लिए, नहीं 28 साल तक टोटल जो है OBC के कैंडिडेट्स जिनकी एज 28 साल है दोस्तों वो अभी फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे नीचे दो कुछ स्पोर्ट्समैन कोटा वगैरह के लिए यहाँ पे 5 साल का छूट दिया गया है, और बाकी यहाँ पे आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यहाँ पे आप अपना जो है एक सर्विसमैन वगैरह डिपार्टमेंटल कैंडिडेट यहाँ पे आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों।
दोस्तों। अब दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए दोस्तों यहाँ पे, बाकी यहाँ पे प्रोसेस ऑफ जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट्स वगैरह है वो दोस्तों हम आपको आगे बता देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हम आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम जो है वो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए, तो हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों जो आपकी क्वालिफिकेशन है 30/9 यानी जो अप्लीकेशन फॉर्म भरे जाने की लास्ट डेट तक ही आपका क्वालिफिकेशन अगर यहाँ पे कंप्लीट होता है, मतलब 30 सितंबर तक आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे दोस्तों। इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 10+2 सीनियर सेकेंडरी पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज रिलेक्सेबल अप टू 11th पास फॉर द, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो दे रखा है 10+2 आपकी जो है वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बाकी जो है यहाँ पे जो 11th पास है उनको इसका अगर इस कैटेगरी के कोई कैंडिडेट है यहाँ पे देख सकते हैं सन ऑफ डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड ऑफ डीसी मतलब दिल्ली पुलिस के जो पर्सन है MTS के जो पर्सन है दिल्ली पुलिस में कार्यरत है दोस्तों, अगर वो 11th के अगर उनके बच्चे पास है तो उनको वो फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों वो फॉर्म के जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 10+2 होनी चाहिए दोस्तों, यानी इंटर लेवल का आपका दोस्तों वो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जितने भी जनरल नॉर्मल कैंडिडेट है दोस्तों वो इंटर आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो दिल्ली पुलिस में होता है, यहाँ पे इस 7.2 पॉइंट को यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेल कैंडिडेट मस्ट पजेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMB मोटर यानी मोटरसाइकिल और कार्स ऑन द डेट ऑफ PET PMT, मतलब जो भी आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा मेडिकल टेस्ट होगा दोस्तों वहाँ पे आपका LMB वहाँ पे लाइसेंस वहाँ पे मांगा जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि लर्नर लाइसेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब लर्नर लाइसेंस अगर आपका है PET और PST के टाइम पे तो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपका जो है लाइसेंस जो है LMB होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल आपका जो है वो लाइसेंस होना चाहिए। और दोस्तों बाकी बात कर लेते हैं जो NCC कैंडिडेट्स हैं उनको कितना वहाँ पे छूट मिलने वाला है, तो दोस्तों यहाँ पे सर्टिफिकेट यहाँ पे देख सकते हैं जिनका NCC सर्टिफिकेट है उनको उनको जो है 5% नंबर मिलेगा मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब 5% आपका मैक्सिमम मार्क्स का मिलने वाला है। NCC B सर्टिफिकेट होल्डर को यहाँ पे 3% और NCC A सर्टिफिकेट होल्डर को वो 2% के यहाँ पे दोस्तों वो छूट मिलने वाली है नंबर में। आप दिया हाउ टू अप्लाई, फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, तो दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया हम ऑनलाइन फॉर्म भरने की एक कंप्लीट वीडियो बना देंगे दोस्तों, आप उसको जरूर देखिएगा दोस्तों, मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ आपका सारे डाउट्स क्लियर करके बताएंगे दोस्तों। आपको फॉर्म भरने में कोई दोस्तों वो दिक्कत नहीं होने वाली है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की जैसे ही वीडियो हम कल डाल देंगे दोस्तों मैं कोई जल्दीबाजी में वीडियो नहीं पोस्ट करता हूँ दोस्तों, हम आपको अच्छे से एनालिसिस करके तब वीडियो दोस्तों वो आपको 2 सितंबर को वीडियो आपको मिल जाएगी, 2 सितंबर का ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो है वीडियो मिल जाएगी। वीडियो का जो है फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, फोटो कितनी लेनी चाहिए, फोटो कब की होनी चाहिए, सारी डिटेल्स दोस्तों हम आपको जो है बताने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि दोस्तों वो आपको वो अपडेट मिल जाए। एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह की आप सभी को पता है SSC जो है 100 रुपये का ही फीस लेती है, SC ST और जितने भी PH और फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनसे कोई भी फीस नहीं लिया जाता है, तो दोस्तों 100 रुपये का फीस SSC लेती है। और यहाँ पे करेक्शन का मैंने बताया 3-4 तारीख को आपका खुला रहेगा, बाकी यहाँ पे नीचे सेंटर्स वगैरह की जानकारी यहाँ पे दी गई होती है तो आपको इसमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे जो जो है आपका जो है सिलेबस की वीडियो अगर यहाँ पे सिलेबस वगैरह का भी यहाँ काफ़ी नीचे दे रखा है, तो सिलेबस की दोस्तों अगर सिलेबस आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन पे लिंक है या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है सिलेबस की वीडियो देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे फिजिकल वगैरह के बारे में यहाँ पे बताया गया कि आपका फिजिकल में क्या क्या दिल्ली पुलिस के फिजिकल में क्या क्या कंडक्ट करवाया जाता है दोस्तों, मैंने उसकी ऑलरेडी भी वीडियो जो है वो बना दी है, तो आपको अगर फिजिकल की अगर दोस्तों कंप्लीट वीडियो यहाँ पे देखनी है तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आपको मैंने वीडियो है जैसे कि मैंने बताया फिजिकल की भी वीडियो बना दी है सिलेबस की भी वीडियो बना दी है, आई बटन पर चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए फिजिकल और सिलेबस दोनों की आपको कंप्लीट वीडियो दोस्तों मिल जाएगी कि क्या क्या वो फिजिकल में करवाया जाता है और जो है सिलेबस में क्या क्या वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। ये कुछ जानकारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में कंप्लीट नोटिफिकेशन जारी हो गया दोस्तों, तो आई होप आपको सभी जानकारी दोस्तों वो समझ में आई होंगी दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आया वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, उनको बताइए कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दोस्तों वो लगभग 7600 के करीब का वैकेंसी जो है वो जारी कर दिया गया है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। Thank you.